कुछ अपडेट्स हैं और कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ क्वारीज हैं, उनके आंसर दूंगा इस वीडियो में। जो नया अपडेट है रिगार्डिंग द क्लैरिफिकेशन ऑफ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, ये डिफाइंड नहीं था कि कितने परसेंट को गुड एकेडमिक रिकॉर्ड माना जाएगा। मार्क्स बिलो देन 50% से अगर आपके मार्क्स एट ग्रेजुएशन लेवल, ओके, कुछ कैंडिडेट्स के फोन आ रहे थे जिनके 44 या 45 इस कैटेगरी में लेस देन 50% थे, तो वो इसका मतलब है कि वो एलिजिबल नहीं है, डज नॉट फॉल इन गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। नेक्स्ट है रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन ऑफ इशू एज रिलैक्सेशन ऑफ एससी एंड बीसी कैटेगरी, तो वो 5 साल की है रिलैक्सेशन, यहाँ जो बताया गया है ईयर फॉर दीज कैंडिडेट विल बी ओवर एंड अबव 45 years, maximum age decided by government employees in the state and central government, ये change है। third है एक जो political science और public administration की जिन्होंने master degree की हुई है या UGC net किया हुआ है, वो 2008 में जो पब्लिक नोटिस दिया गया है यूजीसी की तरफ से, वो रीड कर लेना चाहिए। वो उन लोगों के लिए है जो पॉलिटिकल साइंस में अप्लाई करना चाहते हैं या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट डिफरेंट है। तो ये साफ लिखा है यहाँ पब्लिक नोटिस जो 4 जुलाई 2018 को यूजीसी ने दिया है, ये DPI ने वेबसाइट पर डाल दिया है। तो इसमें क्या है कि बोथ सब्जेक्ट्स आर इंटरडिपेंडेंट एंड डिस्टिंक्ट इन नेचर, हेंस कैंडिडेट विद मास्टर डिग्री एंड नेट आइदर इन पॉलिटिकल साइंस और इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मे बी कंसिडर्ड फॉर फैकल्टी पोजीशन इन पॉलिटिकल साइंस एज वेल एज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपर्टाइज, जो ऐसे DPI एक्सपर्टाइज जो भी ये बनाते हैं नॉर्म्स, तो उसके अनुसार आप इसके इसका मतलब सीधा ये बनता है कि अगर आपके नेट पब्लिक एड में है, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो पॉलिटिकल साइंस के लिए। यहाँ है कैन बी कंसिडर्ड इंटरचेंजेबली, इसको फोकस करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में इनको पता होगा जिन्होंने ये नोटिस पढ़ लिया होगा, इंटरचेंजेबली में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इधर हो गया पॉलिटिकल साइंस, ओके, तो ये इसके लिए एलिजिबल है पोस्ट के लिए, ये इनके लिए एलिजिबल है। अगर इनकी मास्टर डिग्री और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री है या UGC नेट है, वो इनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और ये पॉलिटिकल साइंस वाले पब्लिक एड में भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कुछ क्वेश्चन है जो कमेंट्स के रूप में आए हैं। सबसे पहले है सर मोड ऑफ, ये सर मेरा नेट 2020 में हुआ था, तो EWS मेरे ख्याल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में, तो उसका उसके लिए किस ईयर का EWS चाहिए, ये ऑलरेडी मेरे ख्याल वीडियो नंबर 3 में बता चुका हूँ कि प्रेजेंट पोजीशन आपको बतानी होगी, आपका प्रेजेंट वाला जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट चलेगा, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है कि एक आपका एफिडेविट भी लगेगा, उस वीडियो में बताया है। आप थोड़ा डिटेल में देखना चाहते हो तो उस वीडियो में देख सकते हो क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो मोबिलिटी अपवर्ड हो सकती है, पहले इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में थे, आप अब स्ट्रांग सेक्शन में चले गए हो, मतलब पहले पुअर थे, ओके, तो अब आप रिच हो गए हो, तो आपको ये बताना होगा कि मैं अभी भी उसी सेक्शन में हूँ, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में, तो आप उस कैटेगरी में क्लेम कर सकती हैं अपनी पोस्ट के लिए। नेक्स्ट है सर मैं पास, ये हो गया, हाँ जी,
सर मैं पास मेरे पास 4 ईयर का गवर्नमेंट कॉलेज का एक्सपीरियंस है, लेकिन अब मैं जॉब नहीं करती, क्या मैं एक्सपीरियंस ऐड कर सकती हूँ? यस, आप कर सकते हो, 4 साल पढ़ाया है, जीरो नहीं है, उसको ऐड कीजिए, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, प्रोवाइडेड आपके पास उसका वो डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे भी बताए गए हैं, आपका एचओडी आपके साइन करेंगे, आपका एक इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट होगा, वो आपको लेना पड़ेगा, ठीक है? ये आ गया सर, लास्ट में आपने प्लेस जलंधर भरा है, वहां जलंधर ही आएगा या आपका होम टाउन? ऐसे है कि कोई फर्क नहीं, आप प्रेफर कीजिए अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, क्योंकि कई बार होम टाउन जो है वेल पॉपुलर वेल नोन नहीं होता, दैट इज वाई डिस्ट्रिक्ट ही प्रेफर कर सकते हैं, अगर वेल नोन है अपना होम टाउन भी फील कर सकते हैं, प्रेफर कीजिए डिस्ट्रिक्ट का नाम ही। रिया बस्सी कमेंटेड, सर मैंने आज ही रेजिडेंस सर्टिफिकेट अप्लाई किया है, प्लीज बताइए कि वो वैलिड होगा? कोई भी रेजिडेंस सर्टिफिकेट पंजाब में 5 ईयर के लिए वैलिड होता है, अगर आपका पिछला रेजिडेंस सर्टिफिकेट विद इन 5 ईयर है तो वो वैलिड चलेगा, अदरवाइज अब ये अगर आपने अप्लाई किया है तो चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 8 तारीख से पहले बन जाएगा, क्योंकि आपने वो डेट वगैरह पढ़ गई होंगी ना आज की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर जी नेट ता 2018 का रिजल्ट वेखना होवे ता, सर मैंने देखा था आपका रिजल्ट, लेकिन वो 2019 का मेरे ख्याल में है, लेकिन अगर क्लियर होता है 18 का मिलता है तो आपको मैं पर्सनली बता देता हूँ। सर जो फॉर्म फिल करते टाइम लास्ट में लिस्ट ऑफ एनक्लोजर सेंट विद एप्लीकेशन का क्या करना है? सर अगर आप ये रहा, सॉरी ये सॉरी कहाँ गया, ये तो आप कहाँ की बात कर रहे हो? लॉक एंड पे प्रोसेसिंग फी के बाद ये आता है, मुझे नहीं कहीं मिला, जहाँ आप फोटो क्लिक करके मेरा फोन यहाँ ऊपर लिखा है आप उस पर भेज दीजिए, फिर मैं बता देता हूँ कि उसका क्या करना है। एनक्लोजर कोई भी साथ नहीं जाएगा, आगे ये क्वेश्चन भी आना है, आपने सिर्फ सॉफ्ट कॉपी उनको सेंड करनी है, हार्ड स्कैन करके खुद के पास रख सकते हो, तो वो अगर डिमांड करते हैं फिर आप भेजोगे, अदरवाइज नहीं। और दूसरा, जब आपकी वेरिफिकेशन होगी डॉक्यूमेंट की तब उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। सर सॉरी, हाँ सर, डॉक्यूमेंट की डिटेल फिल करनी है ओनली, या डॉक्यूमेंट स्कैन तो नहीं होंगे? आप ये वही बात अभी मैंने बताई है कि डिटेल फिल करनी है उनके पास, उन्होंने एलिजिबिलिटी आपकी पूरी जो यूजीसी रेगुलेशन के मुताबिक या पंजाब गवर्नमेंट के मुताबिक या यूनिवर्सिटी जिसमें आप अपॉइंट हो रहे हैं वो देखनी है, उसके अलावा उनको वेरिफिकेशन के टाइम पर आपके डॉक्यूमेंट चाहिए, और आपने स्कैन कॉपी या हार्ड कॉपी कोई नहीं भेजनी, अपने पास सब कुछ रखना है, एप्लीकेशन जो फिल की हुई है। सॉरी, विल द हार्ड कॉपी बी सेंड टू द डिपार्टमेंट आफ्टर फिलिंग कॉलेज लेक्चरर फॉर्म? नहीं, आपने कुछ भी हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है, ये उत्तर आ चुका है पहले, विल द हार्ड कॉपी? ओके सर, मेरा नेट है बट एम कॉम डिस्टेंस दे रही हूँ कि मैं अप्लाई कर सकूँ? हाँ जी, आप कर सकते हो, डिस्टेंस से है, लेकिन आपकी डिग्री या रिजल्ट 8 जो ये डेट है लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग की, उस डेट तक 5 बजे तक रिजल्ट आउट हुआ होना चाहिए, तब आप कर सकते हो। तो ये थे कमेंट्स, अगर इसके अलावा कोई भी आपका और क्वारी है आप पूछ सकते हो। मैं कुछ एक वीडियो बना रहा हूँ कि आपको पेपर कैसे तैयारी करनी चाहिए, आज अपलोड नहीं कर सका, काफ़ी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं, ट्रिक्स हैं, रूल्स हैं, और दूसरा कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, उसके कुछ साइकोलॉजिकल रूल्स हैं, जो कोई भी है, 10th वाला है, +2 वाला है, UGC वाला है, आप है, सभी को उनका ध्यान रखना होगा, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में ब्रेन के लिए, ब्रेन
कि एनर्जी बचाने के लिए, प्रॉब्लम को, स्टेम को, क्वेश्चन को, अल्टरनेटिव्स को समझने के लिए, लैंग्वेज को समझने के लिए, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको इजी करने के लिए वो स्ट्रेटजी ज़रूरी हैं। तो पहला वीडियो वो अपलोड करूँगा, उसके बाद कि आपने कैसे पेपर अटैम्प्ट करना है एज होल, फिर अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता, कम आता, पार्शली आता है, तो आपने कौन से स्ट्रेटजी अपनानी है। तो नेक्स्ट वीडियो अगर आपको लगे कि आप उनका प्रयोग कर सकते हो, आप उनका फ़ायदा उठा सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो आप वॉच कर सकते हो। थैंक यू।